एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फाइनल पार्ट ऑफ क्लीनिंग। तो दिवाली क्लीनिंग के व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही थी। लास्ट व्लॉग करवा चौथ वाला था, उससे पहले मैंने आपके साथ सारे बेडरूम की क्लीनिंग के व्लॉग्स शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे कि किस तरीके से आप अपनी क्लीनिंग को आसानी से कर सकते हो। तो आज हमारी क्लीनिंग का लास्ट पार्ट है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने हॉल की क्लीनिंग। मेरा हॉल थोड़ा बड़ा है तो इसमें हमें 2 दिन लग गए थे, बट मैंने इसी वीडियो में सब कुछ कंपाइल करने की कोशिश की है। तो जैसे मैं हर क्लीनिंग व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मैं अपनी क्लीनिंग टॉप से बॉटम की तरफ करती हूँ, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। जो मेरे कर्टन्स हैं उनको मैंने सबसे पहले उतार लिया है और उनको मैं वॉशिंग पे डाल दूंगी। तो ये सारे रिंग्स को एक साथ लेके मैं इसमें एक धागा लगा दूंगी ताकि मेरे सारे रिंग्स इंटैक्ट रहें, कुछ भी इधर उधर ना हो, ना कोई रिंग निकले मशीन में। तो बस सबसे पहले मैं अपने कर्टन्स को बांध के इनको वॉशिंग के लिए डाल दूंगी और उसके बाद हम अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्प है उसने सारे स्पाइडर वेब्स और सारी क्लीनिंग एक बार झाड़ू से कर दी थी चारों तरफ से, और फिर उसके बाद हमने अपने कर्टन्स वॉशिंग पे डाले। और यहाँ पे जितनी भी ऊपर वाली चीज़ें हैं ये सब कुछ मैं उतार रही हूँ, क्योंकि एक तो हमें इनको क्लीन भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ डीप क्लीन करना है, और दूसरी चीज़ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने का सोचा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लुक चेंज मिलेगा, वो क्या मिलेगा वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो यहाँ पे ये सारे जो भी मेरे फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे, 1-2 फ्रेम्स मैंने लगाए हुए थे बड़े बड़े, वो फ्रेम्स मैंने लगाए हुए थे तो उनको मैंने उतार के अच्छी तरीके से क्लीन करके दोबारा से लगा दिया है, क्योंकि उनको मैं वहीं लगाने वाली हूँ। और बीच में जो विराज का फोटो का मैंने एक हैंगिंग वाला लगाया हुआ था, वो आपको याद होगा, मैंने अपने मंदिर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है यहाँ से निकाल के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी। और ये जितने भी फ्लावर्स हैं, जितनी भी लीव्स हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, उनको भी हमें वॉश करना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल उन पर भी जम जाती है। और ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो मुझे वहीं रखनी है, मतलब उनकी प्लेस चेंज नहीं करनी है, तो उनको हम साथ साथ क्लीन करके वहीं लगा रहे हैं। और जिन चीज़ों की प्लेस मुझे चेंज करनी है वो मैं उतार के रख लूँगी, क्योंकि मुझे बाद में उनको कहीं और लगाना है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, ये सब ऐसे ही रहेगा, तो वरना उनको एज इट इज़ क्लीन करके वहीं के वहीं लगा रही है। और जो चीज़ें मुझे हटानी है या उनकी जगह कुछ और लगाना है उनको मैं ऑल टुगेदर हटा रही हूँ। और वहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ वो मेक ओवर आपको आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे फैंस वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो मेरे हॉल में 2 फैंस लगे हुए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। और कर्टन्स भी मेरे मीनवाइल वॉश हो गए थे। ये फ्रेम्स मैंने लगा दिए थे, बीच में मैं कुछ और यहाँ पे मेकओवर करने वाली हूँ तो वो आपको बाद में पता लगेगा। और यहाँ पे ये जिस साइड मेरी टीवी यूनिट रखी हुई है तो टीवी यूनिट तो एज इट इज़ रहेगी, बट टीवी यूनिट के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मैं मेकओवर करूँगी, वो क्या करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे वायर्स होते हैं यहाँ पे, केबल लगी हुई है, सेट टॉप बॉक्स है, टीवी का वायर है, तो बहुत सारे वायर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे यूनिट को मैंने आगे खिसका दिया है और पीछे जितना भी कुछ क्लीनिंग का था सब कुछ बहुत अच्छे से डीप क्लीन हमने कर दिया है। और ये भी मेरे पास एक रैक रखी हुई है, इसमें मैंने कुछ डेकोर पीसेज रखे हुए हैं तो उनको भी वंदा ने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये सेकेंड डे का वीडियो है, यहाँ पर हम अपनी डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रहे थे और ये जो बार यूनिट रखी थी इसको भी हमने पूरा एम्प्टी करके बहुत अच्छे से उस कॉर्नर को क्लीन किया, बार यूनिट को बहुत अच्छे से क्लीन किया और फिर से हमने इसको अरेंज किया। तो एक एक चीज़ को क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से दिखा देती हूँ तो आपको लगता होगा एकदम क्लीन हो गया, बट मुझे हॉल की क्लीनिंग में पूरे 2 दिन लगे थे और एक एक चीज़ को मैंने क्लीन किया था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने क्लीन ना की हो। यहाँ पर मैं सारे के सारे जो सोफ़ा कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, सब कुछ हटा रही हूँ, क्योंकि मैं दिवाली के लिए नए कवर्स लेकर के आई हूँ, वो सब मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी पूरी क्लीनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कवर्स लगाऊंगी और आपके साथ मेकओवर शेयर करूंगी। सारे के सारे कुशन कवर्स मैंने हटा दिए हैं, इनको भी मैं वॉश करके रख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरे वाले लगाऊंगी, इनको मैं रख दूंगी।
तो बस इसी तरीके से मैंने हॉल की क्लीनिंग को वो दिन में निपटाया है। और यहाँ पे वरना ये मेरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं ये इनमें ग्रूव्स बनी रहती हैं, तो इसके बीच में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। ऑल दो वीकली वो क्लीन करती है, बट स्टिल डीप क्लीन करने के लिए एक एक चेयर के एक एक कोने को बहुत अच्छे से उसने क्लीन किया है। तो यहाँ पे बस मेरी डाइनिंग चेयर्स भी क्लीन हो गई, डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन कर दिया था और बार यूनिट को भी हमने अरेंज कर दिया था क्लीन करके बहुत अच्छे से, और जो कर्टन की रॉड थी वो भी हमने क्लीन करके लगा दी थी। अब जो काम बचा हुआ है क्लीनिंग का वो सिर्फ मिरर्स का बचा हुआ है। तो मेरी बालकनी में जितने भी शीशे लगे हुए हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं, वो सारे शीशे अभी बचे हुए हैं। किसी भी रूम का हमने शीशा भी साफ नहीं किया है, तो बस शीशों का काम अभी बाकी है। तो बस ये हमारी क्लीनिंग का लास्ट पार्ट था। तो आई होप आपको मेरे क्लीनिंग ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिली होगी, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक दे देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं आपके साथ मेकओवर शेयर करूंगी और अपने रूम्स का डेकोर भी शेयर करूंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं चेंज करने वाली हूँ हॉल में भी, और कुछ कुछ DIYs भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। तो ये है फाइनल लुक रूम का क्लीन होने के बाद। अभी कर्टन्स नहीं लगे हैं क्योंकि मैंने सारे कर्टन्स प्रेस होने के लिए भी दिए थे, आपको याद होगा मैंने बताया था, वॉश करके मैंने ऐसे ही लगा दिए थे रूम्स में। तो हॉल के भी जब मैंने वॉश कर दिए थे तो सब इकट्ठे मैंने प्रेस के लिए दे दिए थे। तो अभी रूम क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, एक एक चीज़ हमने क्लीन करी है, एक एक चीज़ को पोंछा है, एक एक चीज़ को हमने साफ किया है। तो ये साफ होने के बाद का मैं आपको 360 व्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से रूम साफ होने के बाद लग रहा है। ऑल दो अभी यहाँ पे कुछ भी आपको डेकोरेशन नहीं मिलेगी, कुछ भी मेकओवर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ क्लीनिंग की है। डेकोरेशन जब मैं करूँगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कर्टेंस मेरे प्रेस होके आ गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लेट्स बना के प्रेस करके दिया था, और इस तरीके से वो टाई करके देते हैं इन कर्टेंस को। तो बस शाम को यहाँ पे अंधेरा हो गया था बाहर और मैं पीके जी के साथ मिलके ये कर्टेंस लगा रही हूँ। तो हॉल के कर्टेंस हमने लगा दिए थे और सारे रूम्स के भी हमने लगा दिए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कर्टेंस लगने के बाद किस तरीके से लग रहा है। Thank you.